उत्तराखंड की नई पहचान। बहन जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा जो उम्र है वो भी बहन जी को लग जाए, और मैं कहना चाहता हूं कि बहन जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तीसरे भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? तुम तक दिल्ली। अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए, बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। उत्तराखंड प्रदेश की ओर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उनके 57वें जन्मदिन के अवसर पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई पेश करते हैं, और हम कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी हम सब की उम्र लग जाए और उनका बहुत लंबे समय तक हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और अब एक शर्मनाक खबर। जब इंसानियत हवस की अफीम चाटकर बेसुध पड़ जाए तो खड़े जिस्मों और चलती फिरती लाशों की मंडी जंगल बन जाती है। ऐसा जंगल जहां ना तो कानून का राज है, ना ही कोई इंसानियत का खैरख्वाह बचा है। और फिर पेश आती हैं दरिंदगी से लबरेज ऐसी वारदातें जिन पर अब तो शर्मसार होने का भी दिल नहीं करता। ना ही ये सवाल पूछने की हिम्मत होती है किसी रहनुमा से कि भाई साहब आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हो, आप पर हमारी हिफाजत का दारोमदार है, फिर आप अपनी ड्यूटी निभाते क्यों नहीं? आखिर सभ्यता के शब्दकोश से बलात्कार जैसे शब्द को उखाड़ क्यों नहीं फेंका जाता? सच मन नहीं करता उनसे सवाल करने का, क्योंकि उन कथित हाकिमों को भी इस हकीकत का भान हो चुका है कि जंगल में जीने की आदत डाल चुके हम लोगों की इंसानियत भी उन्हीं की तरह कहीं खोसी गई है। लिहाजा जारी है जंगल की जंगली तहजीब की घिनौनी नुमाइश, और उत्तर प्रदेश में यह बदस्तूर जारी है। आज अब से 2-3 घंटों के भीतर ही 3 जगहों पर यही जंगली वहशियाना हरकत की गई। जी हां, उत्तर प्रदेश में फिर से 2 घिनौनी वारदातें हुई। इन वारदातों को जानने के बाद उन लोगों का भी इंसानियत से एतबार उठ जाएगा जिन्हें अब भी गुमान है कि इंसानियत किसी झुरमुट में ही सही लेकिन बची तो हुई है। धिक्कार, खिन, संताप और शक। धिक्कार उस मानसिकता पर जो देवी स्वरूपा लड़कियों को हवस भरी वैशी निगाहों से देखता है। खिन उस हरकत पर जो खुद को मर्द कहने वाले नामर्द भेड़िए अंजाम देते हैं। संताप इस बात का कि हमारी इंसानियत कहीं खोसी गई है। शक इस बात पर कि दरअसल हम इंसान रह भी गए हैं या नहीं। रूह को झकझोर दे, कलेजे को छल्ली कर दे और जहनी संतुलन को तहस नहस कर दे, ऐसी 2 वारदातें उत्तर प्रदेश की 2 अलग-अलग जगहों पर पेश आई हैं। पहली वारदात हाथरस की, जहां घर में घुसकर एक महिला के साथ 8 दरिंदों ने वहशत की ऐसी घिनौनी इबारत लिखी जिस पर इंसानियत का कलेजा मुंह को आ जाए। इंसान की शक्ल में आई इन भेड़ियों ने पहले तो घर में लूटपाट की, फिर महिला के साथ गैंगरेप किया और फिर घर वालों की पिटाई करने के बाद रफूचक्कर हो गए। उन नामुरादों की हवस शायद फिर भी शांत नहीं हो पाई तो जाते जाते महिला का गुप्तांग भी काट दिया।
दूसरी खबर कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र की, जहां जोरावर गांव में एक नाबालिग के साथ एक मनचले ने छेड़छाड़ की कोशिश की। उसकी नापाक हसरत नाकाम होती दिखी तो उसने अपनी साइकिल का हैंडल लड़की के गुप्तांग में डाल दिया। पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। ये भी महज दो घटनाएं हैं। दिल्ली गैंग रेप की तर्ज पर कुछ दिन हल्ला मचेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, कोहराम होगा और फिर सभी अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, इस डर से कि कहीं उनकी इंसानियत भी दागदार ना हो जाए। मानो इस मुल्क में इंसानियत अभी भी बची हुई है। गोया जंगल बन चुके इस मुल्क में अब भी कानून का राज है। हाथरस से देवेंद्र पराशर के साथ अश्विनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ देहरादून से हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और रविदास मेहरोत्रा जी और अमिताभ जी हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं। धस्माना साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं रविदास जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान रविदास जी की पार्टी के पास है। रविदास जी, आज तीन ऐसी वारदातें हुई जिससे आपकी सरकार का इकबाल अगर नहीं हिला, अगर चूले नहीं हिली, अगर मुख्यमंत्री जी को गुस्सा नहीं आया और आपकी क्या कार्रवाई हुई दिखा नहीं, तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हाथरस, कानपुर, गोरखपुर, क्या तमाशा हो रहा है? जंगल में रहते हैं क्या हम? ऐसे बनेगा उत्तर प्रदेश? सरकार के कोई इकबाल नहीं, पुलिस से कोई खौफ नहीं, प्रशासन तमाशा देखता है। रविदास जी, हाथरस और कानपुर और गोरखपुर में जो घटनाएं आपने बताई हैं, ये वास्तव में बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं और निश्चित रूप से इस पर गुस्सा आना स्वाभाविक है और इस पर कार्रवाई भी होगी, जो कल दिखाई पड़ेगी आपको, और जो प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी मालूम पड़ेगा आपको। कार्रवाई होगी सवाल नहीं है, सवाल ये वारदातें क्यों होती हैं? पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार क्या करती है, सवाल ये बड़ा है। ये बात जी, आप कार्रवाई करें ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ये घिनौनी वारदात हुई उनके दिल से पूछिए, उनके परिवार वालों से पूछिए, आप कार्रवाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? आपकी कार्रवाई से समाज में, आपकी कार्रवाई से समाज में मैसेज क्यों नहीं जाता? ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून बने कि जो लोग ये गैंग रेप कर रहे हैं उन सब लोगों को फांसी हो और उनके साथ दंड देख करके फिर किसी के दुस्साहस से हिम्मत ना हो पाए कि वो हमारी बहन या बेटी के जो साथ कानून है उनको तो ठीक से लागू करा दीजिए महाराज, जो कानून है उनको तो ठीक से लागू करा दीजिए। रविदास जी, आपके लिए एक शेर, रविदास जी एक मिनट, आपके लिए रविदास जी, हम जो स्थितियां हैं रविदास जी, आपकी जो आप बात कह रहे हैं हम उस सहमत हैं और हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारी बेटी और हमारी बहन के साथ ऐसी हरकत कोई न करने पाए और जो करे उसको दंड ऐसा मिले कि उसको देख करके फिर किसी की हिम्मत ना होने पाए। तो दिखाइए ना रविदास जी, दिखाइए उधर रविदास जी, आपने जो कहा है उस पर कार्रवाई कल दिखाई पड़ेगी आपको। अरे भाई, घटनाएं हुई हैं, देखिए रविदास जी एक शेर आपके लिए छोड़ रहा हूं, गौर से सुन लीजिए। तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लुटा, रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कहां है सरकार? पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर बच्ची की नाक काट ली, मध्य उत्तर प्रदेश कानपुर बच्ची के गुप्तांग में साइकिल का हैंडल डाल दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाथरस, वो दरिंदगी की दिल्ली की घटना की याद आ गई हमको। एक दिन में तीन जगह, पूरा पश्चिम और मध्य, पूरा उत्तर प्रदेश नप गया उसमें, पूरा भूगोल आ जाता है उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर से गाजियाबाद तक। कहां है सरकार? इकबाल क्यों नहीं दिखता? मैं कभी इस पर बहस नहीं करता कि अपराध क्यों हो गया, मेरा मूल सवाल है घटनाओं के जरिए इकबाल कहां है हुजूर, इकबाल कहां है? सत्ता की हनक क्यों नहीं दिखती मुझको? यूपी या में तो कम, मेरी आंखों में कमी, जुर्म यहां कम, या तो मेरी आंखों में कमी या उस डॉक्टर की दवा बेअसर जो दवा देने का दावा कर रहा है। दो ही बातें हैं, या तो मैं देख नहीं पा रहा
ये डॉक्टर की दवा गलत है। वाजपेयी जी जंगल में रहते हैं क्या हम और आप? क्या कल से मैं अपने चैनल में उत्तर प्रदेश से जंगल प्रदेश बोलना शुरू कर दूं? कि जंगल प्रदेश में आपका स्वागत है, क्या मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि हाँ मैं भारत के उस हिस्से से आता हूं जिसे जंगल प्रदेश कहा जाना चाहिए? वाजपेयी जी अतुल मुझे लगता है कुछ तकनीकी है जी। धस्माना साहब ये सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा, क्या मैं अब उत्तर प्रदेश को जंगल प्रदेश कहना शुरू कर दूं अपने चैनल पर? हमारी आपकी बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं, हम और आप कोई सुरक्षित नहीं, क्या हम बिहार यूपी में रिपीट करना चाहते हैं लालू राज को? अतुल जी ये बहुत चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए है जो आपने अभी अग्निहोत्री साहब ने बहुत अच्छा कहा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का भूगोल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तीन जगह लगातार तीन घटनाएं जो एक दिन में घटती हैं, उससे एक बात बड़ा चिंता का विषय उठता है कि प्रदेश के अंदर अपराधियों में और विशेष तौर पे जो महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के अपराध कर रहे हैं उनके दिलो दिमाग में कानून का भय समाप्त हो गया है, और ये सबसे चिंता का विषय होता है। अगर कानून का भय अपराधियों के दिमाग से समाप्त हो जाए तो अपराध निश्चित तौर पे जिस प्रकार से घटित हो रहे हैं वो घटित होते हैं, और जब अपराध लगातार इस प्रकार से घटित होते हैं तो आप उसको चाहे जंगल राज कहिए, जंगल प्रदेश कहिए, उसमें कहीं कि कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत जिस दिन से, और इस बात पर विशेष तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी उत्तर प्रदेश के पैमाने पर इसको देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से दिल्ली की घटना हुई, सबसे पहले दिल्ली की घटना के बाद अगर लगातार तब से लेकर अब तक के अगर आप समाचार पत्रों को या चैनल्स के समाचारों को विश्लेषण करें, जिस प्रकार से घटना घटित हो रही है, और ये तो वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं, जो रिपोर्ट ही नहीं होती, जिनके बारे में मीडिया को या पुलिस को या थानों में पता ही नहीं लगता, न जाने कितनी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ। वाजपेयी जी मैं किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष की बात नहीं करता, कानपुर में जो वारदात हुई कहा जा रहा है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता के लड़के के द्वारा की गई। आप लोग आज गवर्नर साहब से मिलने गए, हाँ मैं बिल्कुल, ये इतना विरोधाभास क्यों? और आपने भी तो क्या कार्रवाई की, आप तो मुखिया उस पार्टी के, उस प्रदेश के। सुनने मैं पार्टी के अपनी स्टैंड पर कायम हूं, अपराधी कोई भी हो, कितना भी किसी कार्यकर्ता का लड़का हो, उसके विरुद्ध उसी प्रकार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जैसी हम औरों से अपेक्षा करते हैं, और वाकई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई साहस जुटाने न सके। मैं बिल्कुल इस बात का सहमत नहीं हूं, कार्रवाई होनी चाहिए, मुलजिम मुलजिम है, और जिसके साथ अपराध घटा वो पीड़िता है, और हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, किसी अपराधी व्यक्ति के साथ पार्टी कभी नहीं खड़ी होगी, और हमने जो मांग की है हम उस पर कायम हैं, और उसके अधीन जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी तरफ से कहीं कोई पक्षपात की बात नहीं आएगी, ना मैं उसका कभी समर्थन करूंगा जी। मेहरोत्रा जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार जब मंत्री परिषद में मनोज पारस जो 376 के मुलजिम हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे, ठीक है कि चुनाव आयोग में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित नहीं, अनुमति मिल गई, विधायक बन गए, लेकिन विधायकों में से मंत्री परिषद के रूप में चयन करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री का जी, है। रविदास मेहरोत्रा जी का सवाल, मेहरोत्रा जी तो उन पर मेहरोत्रा जी मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसे उत्तम प्रदेश बनेगा? अखिलेश जी के सपनों का अगर ये उत्तर प्रदेश है तो मुझे उन सपनों पे शर्म आती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं बनेगा, हम लोग ये जो हमने पहले आपसे बात कही थी, हम लोग चाहते हैं, और ऐसा आपको दिखाई पड़ भी रहा होगा, लगातार कार्रवाई होगी। एक बात कही वाजपेयी से, इसे भी आपने एक बात कही, प्रदेश सरकार में एक मंत्री है, और कानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के पुत्र ने ये बलात्कार करने का प्रयास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की उस नेता को पहले पार्टी निकाल ले काम करें। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपको खुद अधिकार है, पता लग रहा है कार्रवाई सख्ती के साथ होगी। मैंने कहा ना कि मैं किसी कार्रवाई का समय, आप तो मंत्री परिषद का सदस्य बनाए बैठे हैं, 16 दिसंबर को दिल्ली की घटना हुई, उस दिन के बाद से आपके आंखों का शर्म रविदास जी, रविदास जी कार्यकर्ता होने और मंत्री होने में फर्क है।
कार्यकर्ता और मंत्री में फर्क है। मंत्री के हाथ में कलम होती है। तो अभी चैनल के माध्यम से निकालने का अधिकार है ना, अभी जाते ही कार्रवाई करूंगा। लेकिन आपकी मंत्रिपरिषद का सदस्य 16 दिसंबर से बार बार इस बात को उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको अभी तक मंत्रिपरिषद से बाहर नहीं कर रहे, जिस मंत्रिपरिषद में बलात्कारी बैठा